सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस चैनल। टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो हाई स्कूल में जो प्रोबेबिलिटी का लेवल है वो थोड़ा सा कम है, और ट्वेल्थ में आप इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जितना इसमें है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला होता है, सिंपल सा एक ही फार्मूला होता है बस। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, जो हमारे फेवर में चीज़ें हैं उसको ऊपर रखेंगे, और अपान में जो हमारे टोटल आउटकम्स हैं उनको रखेंगे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स विच आर फेवरेबल अपान नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स विच आर आउटकम्स। अब आपको एक चीज़ जानने वाली यहाँ पे लिखी है, देखो जो पी की वैल्यू होगी किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर होगी वो 0 और 1 के बीच में ही कोई वैल्यू आएगी। 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या इसके बीच की कोई वैल्यू हो सकती है। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त 1 से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया सिंपल सा। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, उसके बाद आप उस टाइप के सारे क्वेश्चन कर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं। जो दो तीन टर्म्स हैं इनको समझ लो आप, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई भी हमारे पास चीज़ है उसकी हम इवेंट निकालें तो हर इवेंट के होने की बराबर संभावना हो, मतलब कोई भी इवेंट हो तो वो बराबर बराबर हर किसी के होने की संभावना हो, तब हम उसको इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एक कॉइन ले लिया, उस कॉइन को मैंने टॉस किया। कॉइन लेने के बाद उसको टॉस किया, टॉस करने पे आपको या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। हेड और टेल इन दो में से कोई एक चीज ही मिलेगी, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि कॉइन के ऊपर हेड और टेल दो ही चीज़ें होती हैं, तो या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगी। तो हेड और टेल दोनों के होने की कितनी संभावना है? बराबर संभावना है। तो हेड और टेल, जब कॉइन को हम उछालेंगे तो हेड और टेल आने की इक्वल संभावना होगी, इसलिए इसको इक्वली लाइकली इवेंट कहेंगे। तो इस टाइप की इवेंट्स जो होती हैं जिसमें किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, उस टाइप की इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। अब एक चीज और जानो, अगर आपके पास n नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, या यूं कहो कि n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, तो उसकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकलेंगी उन सबका सम 1 के बराबर होगा। अब देखो, कोई भी हमारे पास डाटा दिया है या कोई भी एक्सपेरिमेंट दिया है, उसमें अलग अलग चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप, तो उसमें अलग अलग चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद उन सबको ऐड करो तो 1 के बराबर आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने पे एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी इतनी, दूसरे की इतनी, और टोटल 3 चीज़ें हैं, तो तीसरी चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताना है, तो तीनों को सम करेंगे, 1 के बराबर रख देंगे और तीसरे चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, अगर किसी चीज किसी भी इवेंट के होने की संभावना पी है, या यूं कहो कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी होगी, क्योंकि सब पूरा सम होता है 1। तो किसी के होने की प्रोबेबिलिटी पी है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी होगी। इसके बाद वेन ए कॉइन इज टॉस्ड, अब यहाँ पे देख लेते हैं, कॉइन टॉस किया जाता है, डाइस जो हमारे पास पासा होता है लूडो का वो किया जाता है, उसको उछाला जाता है या फेंका जाता है, तब क्या आउटकम्स आ सकते हैं? या जो कार्ड होते हैं हमारे पास, ताश के पत्ते होते हैं, उनको निकाल निकाल के देखेंगे तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। तो अगर हम कॉइन की बात करें तो कॉइन में दो ही हमारे पास चीज़ें होती हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो कॉइन अगर उछाला जाएगा
तो कॉइन के उछालने पर या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो कॉइन के दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो हेड या टेल। अगर डाई को थ्रो किया जाए, या मतलब डाई मतलब पासा, पासा को फेंका जाए, तो पासा को फेंकने पे पासे पे 1 से 6 तक की ही डिजिट होते हैं लिखे। तो पासे पे या तो 1 आएगा या 2, 3, 4, 5 या 6, इनमें से कोई भी एक डिजिट आएगा ऊपर। कोई भी पासा है उसको हमने फेंका, फेंकने पे सिर्फ एक ही डिजिट ऊपर आएगा, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 या 6। अब कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो ताश की जो गड्डी होती है उसमें टोटल 52 ताश होते हैं, ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें 4 सेट होते हैं। टोटल 52 ताश के पत्ते होते हैं, उनमें 4 सेट बनाए जाते हैं, जिसमें चारों सेट का अलग अलग नाम होता है। एक का नाम होता है स्पेड्स, दूसरे का हार्ट, तीसरे का डायमंड, चौथे का क्लब। हिंदी में इसको हुकुम, पान, ईंट, चिड़ी कहते हैं। अब चारों सेट में एक एक किंग होता है, एक एक राजा होता है, और चारों सेट में एक एक क्वीन होती है, मतलब एक एक रानी होती है, और चारों सेट में एक एक एस होता है और एक एक जोकर होता है, ठीक। तो 4 सेट में एक एक होता है, तो टोटल कुल 4 किंग होते हैं। पूरे ताश के कार्ड जो होते हैं, कार्ड होते हैं हमारे पास 52, उनमें से 4 टोटल किंग होते हैं, 4 ही क्वीन होती हैं, 4 एस होते हैं और 4 जोकर होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कार्ड समझ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चंस पे स्विच करते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वाइन इज टॉस्ड वंस, एक क्वाइन को एक बार उछाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल। एक क्वाइन को एक बार उछाला गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक ताश हमारे वो एक क्वाइन हमारे पास है सॉरी एक क्वाइन हमारे पास है, उसको उछालने पे या तो हेड आएगा, आपको पता है कि हेड आएगा, या टेल आएगा। तो हेड और टेल इन दो में से ही कोई एक चीज आएगी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, टोटल या तो हेड या तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हम पीएच लिख देते हैं, पीएच लिख देते हैं। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक बार ही, तो हेड एक बार उछाला गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक बार, यहाँ पे नंबर हेड का है और यहाँ टेल का भी नंबर 1 है। तो टोटल आउटकम में हमें या तो हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है, तो टोटल आउटकम हमारे पास 2 हो गए, या तो हेड या तो टेल। इसमें से हेड आने की क्या कितनी प्रोबेबिलिटी, 1, क्योंकि यहाँ पे हेड का नंबर सिर्फ 1 ही है, क्योंकि एक ही बार उछाला जा रहा है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई 1/2, या इसका मतलब हाफ। या ऐसे भी समझ सकते हो आप कि हेड और टेल में से कोई एक चीज आएगी तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। इसी तरह से टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तब भी वो भी हाफ ही मिलेगी। कैसे, टोटल आउटकम हमारे पास 2 हैं, या तो हेड या तो टेल, तो टोटल आउटकम 2 हैं, टेल हमारे पास सिर्फ 1 है। तो हमारे फेवर में कितनी चीजें हैं, 1, और हमारे जो टोटल आउटकम है वो 2 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो गई, हाफ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक पासे को एक बार फेंका गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिजिट मोर देन और इक्वल टू 3। एक पासे को एक बार उछाला गया तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है किसकी, वो डिजिट की 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। तो देखो पासा एक बार उछाला गया है, उसमें या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, इसमें तो कोई एक चीज आ सकती है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द डिजिट मोर देन आर इक्वल टू 3। तो देखो मोर देन और इक्वल टू 3 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे अगर, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से निकाल देंगे। देखो क्वेश्चन में हमें दिया है पासे को एक बार उछाला गया, तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या क्या करना है, ऐसे नंबर ऐसे डिजिट की करना है जो मोर देन आर इक्वल टू 3 हो। उसके बाद हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग,
नॉट गेटिंग मोर देन आर इक्वल टू थ्री, तो गेटिंग की हम निकाल लें उसके बाद नॉट गेटिंग के लिए वन से माइनस कर देंगे, तो हमारे टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, हमारा जो पासा फेंका जाएगा उसमें टोटल आउटकम होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 या 6। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने हो सकते हैं, इनमें से कोई भी एक वैल्यू होगी, तो टोटल आउटकम 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे पास 6 तरीके हो गए टोटल आउटकम आने के। और हमारे फेवर में कौन सी चीज़ है, हमारे फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, तो हम लिखेंगे हमारे फेवरेबल कंडीशन है, इसको हम लिखेंगे ई एफ, फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट, ठीक, ई एफ। ये हमारे पास कैसे मिलेगी, हमें क्या चाहिए है, ऐसी डिजिट चाहिए जो मोर देन आर इक्वल टू थ्री हो, तो थ्री हो सकती है या फोर हो सकती है या फाइव हो सकती है या सिक्स हो सकती है। तो हमारे फेवर में कौन सी चीजें हैं, थ्री या थ्री से ज्यादा वाली हमें डिजिट लेना है, तो 3, 4, 5, 6 ये हमारे फेवर में है और ये टोटल है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी होती है हमारे फेवर वाली कंडीशन अपान टोटल। तो फेवर में हमारे चार चीजें हैं तो चार ऊपर रखेंगे और अपान में सिक्स हो जाएगा, सिक्स हमारे टोटल आउटकम हो गए। इसको दो से डिवाइड कर दो तो ये 2/3, तो हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ से कितनी आएगी, 2/3। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें दिया है, अरे हाँ यहाँ पे एक चीज रह गई, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द डिजिट मोर देन और इक्वल टू 3। अब हमने यहाँ पे निकाल लिया मोर देन और इक्वल टू 3 आने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी को हम पी डैश से लिखते हैं या पी बार से लिखते हैं, ये होती है 1 माइनस पी, और 1 माइनस पी की जगह पे हम रख देंगे 2/3, तो 1 माइनस 2/3, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी 1/3, तो ये हमें मिल गया पी बार। तो ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया, ठीक। या तीन या तीन से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी ये वाली हो गई, तीन या तीन से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी ये वाली हो गई, और तीन या तीन से ज्यादा ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस करके ये निकाल दी। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट टू फ्रेंड्स विल हैव डिफरेंट बर्थडे नो लीप ईयर। देखो ऐसी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि किसी साल की बात की जाए और वो साल, साल मतलब ईयर, लीप ईयर ना हो, तब दो फ्रेंड सेम डे शेयर नहीं करेंगे अपने बर्थडे का, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि दो फ्रेंड हैं वो किसी भी ईयर में जो लीप ईयर ना हो उसमें एक ही दिन पे पैदा ना हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। तो एक ही दिन पे पैदा होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, उसको 1 से माइनस कर देंगे, तो एक ही दिन पे पैदा ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी, ठीक है। डिफरेंट मतलब अलग अलग दिन पे पैदा हुए हों एक ही साल में, तो एक ही दिन पे पैदा होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल हमारे पास मंथ होते हैं 12, टोटल हमारे पास मंथ होते हैं 12, हमारे पास 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ में हमारे पास टोटल डेज होते हैं 365, कौन से जो लीप ईयर नहीं होता, तो उसमें हमारे पास टोटल डेज होते हैं 365। तो 365 में एक ही दिन पे दोनों लोग पैदा हुए हों उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो सेम डे, तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं सेम डे पे पैदा होने की, तो 365 में सिर्फ एक ही दिन ऐसा होगा जिस पे वो पैदा हुए होंगे, तो प्रोबेबिलिटी सेम डे पे पैदा होने की हो गई 1/365, ठीक है। देखो 365 पूरे डेज हैं, उनमें से किसी एक ही दिन पे वो पैदा हुए होंगे, तो 1/365 करके हम ये सेम डे पे पैदा होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है डिफरेंट डे पे पैदा होने की, तो डिफरेंट डे पे निकालने के लिए हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो आ जाएगी 1 माइनस 1/365, तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी 364/365, ठीक है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई जो हमें चाहिए।
इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें दिया है ए बॉक्स कंटेन्स 10 रेड। हमारे पास 10 रेड बॉल्स हैं, एक बॉक्स में 10 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स, 5 ब्लू बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स, 6 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 वाइट बॉल्स, 4 सफेद गेंदे हैं। ए बॉल फ्रॉम द बॉक्स इज एट रैंडमली ड्रॉन। जो बॉक्स में 10 लाल गेंदे थी, 5 नीली गेंदे थी, 6 काली गेंदे थी और 4 सफेद गेंदे थी, उनमें से कोई भी एक बॉल, उस बॉक्स में से एक बॉल रैंडमली निकाली जाती है। ए बॉल फ्रॉम द बॉक्स इज एट रैंडमली ड्रॉन। एक बॉल को रैंडमली निकाल लिया जाता है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो देखो जो बॉल हम निकालते हैं उस बॉक्स में से, तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी, उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, उसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, उसके ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो पहला पार्ट हम करेंगे, टोटल गेंदे हमारे पास कितनी है, तो हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं रेड हमारे पास हैं 10, उसके बाद ब्लू हमारे पास हैं 5, ब्लू हमारे पास हैं 5, और ब्लैक BL लिख लेते हैं इसको, ब्लैक हमारे पास हैं 6, और वाइट को W से लिखते हैं, वाइट हमारे पास हैं 4। तो टोटल हमारे पास कितनी कितनी हो गई, तो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल बॉल्स। टोटल बॉल्स हमारे पास हो गई 10, 5, 15 और 6, 21 और 4, 25। तो टोटल बॉल्स हमारे पास हो गई 25। तो ए पार्ट को करने के लिए रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो पी रेड लिखो, पी रेड इज इक्वल टू, रेड कितनी बॉल है 10, और टोटल हमारे पास कितनी बॉल है 25, तो टोटल को अपान में लिखेंगे और जितनी रेड है उसको ऊपर लिखेंगे, ये प्रोबेबिलिटी हमारी रेड की हो जाएगी। तो यहाँ से इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2/5। तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/5। इसके बाद दूसरे वाले पार्ट को करते हैं ब्लैक वाले के लिए। तो ब्लैक के लिए, ब्लैक जितनी गेंदे हैं उसको ऊपर रखेंगे अपान में टोटल बॉल्स कर देंगे, तो पी ब्लैक के लिए लिखेंगे पी वी और एल। पी ब्लैक के लिए लिखेंगे पी वी एल, क्योंकि ऊपर हमने पी ब्लैक के लिए पी वी एल लिखा है। तो ये 6 हो गया, क्योंकि ब्लैक बॉल हमारे पास 6 है, टोटल बॉल 25 है, ये कटेगा नहीं, तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सी वाले में क्या निकालना है हमें, सी वाले में वाइट के लिए निकालना है, तो वाइट के लिए निकाल देंगे। तो वाइट के लिए निकालो, तो पी डब्लू ये हमारे पास वाइट गेंद कितनी है, वाइट गेंद है 4, टोटल गेंद है 25, तो 4/25, ये हमारी सफेद गेंदों की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसके बाद डी वाले ऑप्शन में हमें निकालना है कितनी ब्लू गेंदे हैं, तो ब्लू गेंदे हमारे पास, ब्लू गेंदों की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो पी ब्लू इज इक्वल टू, ब्लू हमारे पास गेंदे 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/ टोटल गेंदे 25, इसको डिवाइड कर देंगे 5/5 = 25, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। आप देखो चेक करके देख लो, करना चाहो तो चेक करके देख लो, ये हमारा आंसर हो गया। इसको 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 ये सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो वो 1 के बराबर आएगी, करके देख सकते हो आप, ये करके देखना आपको मजा आएगा। ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, इन चारों को ऐड करोगे तो 1 के बराबर आएगी, जो मैंने आपको बताया था कि सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो 1 के बराबर आएगा। लेकिन एक ही एक्सपेरिमेंट की सारी प्रोबेबिलिटी हो, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट एक ही है, क्योंकि एक बॉक्स है उसमें अलग अलग तरह की गेंदें रखी हैं, उनमें से गेंद निकालना है, तो एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर की प्रोबेबिलिटी है, इनको ऐड करोगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए पर्सन थ्रोज ए पेयर ऑफ कॉइन। एक कॉइन का पेयर वो फेंकता है, एक पर्सन बंस सिमल्टेनियसली, मतलब एक उसके पास
पेयर ऑफ कॉइन है, मतलब दो कॉइन है, उसको एक ही बार में फेंकता है, एक बार साथ साथ एक बार फेंकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट एट लीस्ट वन हेड? तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो पर्सन है उसके पास दो कॉइन है, दो कॉइन है, उसको सिमल्टेनियसली मतलब एक साथ फेंकता है, तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं? या तो दोनों पे हेड हेड आ जाए, अरे दो ही तो चीजें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल, तो हम मान लेते हैं कि दोनों पे हेड और हेड आ गया, या पहले वाले पे हेड आया दूसरे वाले पे टेल आया, या पहले वाले पे टेल आया दूसरे वाले पे हेड आया, या पहले वाले पे भी टेल आया और दूसरे वाले पे भी टेल आ गया। ये चार तरह के आउटकम हमें मिल सकते हैं दो कॉइन अगर एक जैसे फेंके जाते हैं, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? एट लीस्ट वन हेड। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? प्रोबेबिलिटी बताना है कि एट लीस्ट वन हेड आए, तो एट लीस्ट वन हेड में क्या हमारी इवेंट बन जाएगी? एट लीस्ट वन हेड आने के लिए या तो एक हेड हो या एक से ज्यादा हो। एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड का मतलब या तो एक हेड हो या इससे ज्यादा हेड हो। तो या तो दोनों हेड आ जाएं, या एक हेड आए और टेल आए, या टेल आए और हेड आए, तो एट लीस्ट वन हेड पाने की हमारे पास इवेंट ये हो गई। तो प्रोबेबिलिटी का आपको फार्मूला मैं बता चुका हूँ, जो हमारी फेवरेबल आउटकम होती है, जो हमारी फेवरेबल आउटकम होती है उसको ऊपर रखते हैं, और टोटल आउटकम हमारे पास जो होती है उसको नीचे रखते हैं। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितनी है? फोर, फोर है, ठीक है, टोटल आउटकम हमारे पास है फोर, और ये हमारी फेवरेबल आउटकम है थ्री। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल हो गई थ्री और अपॉन फोर, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई थ्री अपॉन फोर, यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आंसर, ठीक है? ठीक है मेरे दोस्त, इसको जानो। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक्स ऑन थ्रो ऑफ ए डाई वंस। देखो एक पासा है, उसको एक बार ही फेंका गया, उसको एक बार फेंकने पे सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास जो टोटल इवेंट क्या बनेंगे? टोटल इवेंट बनेंगे, टोटल इवेंट बनेंगे हमारे पास या तो वन या टू, टू या थ्री या फोर या फाइव या सिक्स, इनमें से कोई भी एक चीज आ सकती है। तो टोटल हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः हमारे पास आउटकम है, और हमें चाहिए कितना? तो हमारी इवेंट कितनी? छः चाहिए सिर्फ, तो छः आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, जो हमारी फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल में है एक ही, तो एक हम यहाँ लिखेंगे, और टोटल आउटकम कितने हमारे? छः, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन अपॉन सिक्स। ठीक है बेटा, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक्स ऑन थ्रो ऑफ ए डाई वंस। एक डाई को एक बार फेंका गया, तो हमारे पास टोटल आउटकम क्या आ सकते हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इनमें से कोई एक डिजिट ऊपर आएगी अगर पासे को फेंकोगे, लेकिन हमें चाहिए कितना? सिक्स ऊपर, तो सिक्स आने की इवेंट कितनी है? सिक्स लिख दिया, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? जो फेवरेबल इवेंट है उसको ऊपर लिखेंगे और जो टोटल आउटकम अपान में लिखेंगे। तो फेवरेबल में हमें सिर्फ सिक्स चाहिए, तो एक ही वैल्यू है ये, तो वन लिख दिया। टोटल आउटकम हमारे पास छः हैं, तो उसको नीचे लिख दिया, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, यही हमारा आंसर भी हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखो। इफ टू डाइस आर थ्रोन सिमल्टेनियसली देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम सेवन। अब यहाँ पे क्या किया गया, दो पासों को एक साथ उछाला गया। क्या किया? दो पासों को एक साथ उछाला गया, तो दोनों पासों पे कोई कोई डिजिट आएंगी, किसी पे एक आएगी किसी पे दो, इस तरह से कोई भी डिजिट आ सकती है। तो हमें सम सेवन गेट करना है, तो टोटल जब हम पासों को फेंकेंगे तो टोटल आउटकम हमारे पास आते हैं, टोटल आउटकम जो हम दो पासों को फेंकेंगे, एक पासे को फेंकते हैं तो छह आउटकम आते हैं हमारे पास। इसी तरह से दो पासे को फेंकेंगे तो पहले पे वन आ सकता है, दूसरे पे भी वन आ सकता है, फिर पहले पे वन आ सकता है, दूसरे पे दो आ सकता है,
पहले पे बना सकता है, दूसरे पे 3 आ सकता है। इसी तरह से 6 तक जाएंगे, पहले पे बना सकता है और दूसरे पे 6 आ सकता है। इसी तरह 2 वाले के लिए लिखेंगे, 2 आ सकता है पहले पे और दूसरे पे 1, फिर 2 आ सकता है दूसरे पे भी 2 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, फिर दूसरे पे 3 आ सकता है। इस तरह से 2 के लिए भी 6 तक जाएंगे। तो इस तरह से टोटल आउटकम जो हमारे आएंगे वो आएंगे 36। जो टोटल आउटकम आ जाएंगे वो आ जाएंगे 36। लेकिन हमारे फेवर में कितने हैं, हमें सम बनाना है 7। तो ऐसे आउटकम बनाना बनाना है हमें जिसका सम 7 आ जाए। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो हमारे जो फेवर में है, ऊपर वाले को भूल जाओ, ये नीचे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जो हमारी इवेंट बनेगी वो कैसे बनेगी, हमें बनाना है सम 7, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी बताना है सम 7 लाने की। तो टोटल आउटकम तो 36 हो गए। और हमारे फेवर में आउटकम कितने आएंगे 7 सम बनाने के लिए, क्या क्या है। पहले पासे पे अगर 1 आ जाए, दूसरे पासे पे 6 आ जाए, तब हमारा सम बन जाएगा 7। या दूसरी कंडीशन में पहले पासे पे 2 आ जाए, दूसरे पासे पे 5 आ जाए, फिर पहले पासे पे 3 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, या पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, या पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, या पहले पे 6 आ जाए और दूसरे पे 1 आ जाए। तो 7 सम बनाने का हमारे पास कितनी इवेंट बन गई, 1 2 3 4 5 6, 6 इवेंट हमारे पास टोटल सम 7 बनाने की बन गई। इसके अलावा कोई भी हमें सम 7 नहीं देगा, क्योंकि 1 और 6 आएगा तभी 7 मिलेगा, पहले पे 2 दूसरे पे 5 आएगा तभी 7 मिलेगा सम, पहले पे 3 और चौथे पे दूसरे पे 4 आएगा तभी सम 7 मिलेगा, 3 और 4 7, पहले पे 4 आए दूसरे पे 3 आए, या पहले पे 5 दूसरे पे 2, पहले पे 6 या दूसरे पे 1। तो जब ये चीजें आएंगी तभी हमें इनका सम 7 मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, इफ टू डाइस आर थ्रोन सिमल्टेनियसली, दो पासों को एक साथ फेंका गया, तो उनमें सम 7 गेट करने की हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। तो टोटल आउटकम कितने, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, इस तरह से 36 टोटल आउटकम बनेंगे। तो 36 टोटल आउटकम है। और सम 7 आने के हमारे फेवरेबल जो हैं वो हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 5 6 6 आउटकम है जो फेवरेबल है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, जो हमारे फेवर में नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे कितना है 6, तो ये हमें 6 ऊपर लिखना है। और जो टोटल आउटकम हमारे पास है वो है 36, तो 36 को अपान में लिख दो। तो इस 6 से 36 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1/6। तो दो पासों को एक साथ उछाला जाए तो सम 7 पाने का हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। इसको अगर परसेंट में निकालोगे तो ये आएगा, ये परसेंट में आएगा 1.6666, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा लगभग 16% के बराबर। तो हमें सम 7 पाने की प्रोबेबिलिटी 1/6 मिल जाएगी। और परसेंट में निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करो और इसको डिवाइड करो, तब परसेंट में आ जाएगा। अगर परसेंट में पूछा हो तो फ्रैक्शन को परसेंट में आप आसानी से बदल सकते हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सम 7 लाने की मैंने आपको बता दी। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में सम 5 लाने के लिए बता दिया जाए तो ये तो 36 ही रहेगा, दो पासे अगर साथ में फेंके गए हैं तो टोटल आउटकम तो 36 ही रहेंगे। लेकिन सम 5 बनाने के लिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, सम 5 बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे और जितनी भी हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे उसके नंबर को ऊपर लिखेंगे और टोटल आउटकम को अपान में लिखेंगे और प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से सम 7 है तो सम 8 हो सकता है, सम 9 हो सकता है, तो जो भी पूछा हो आप उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने 7 क्वेश्चन किए। इससे मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से अगर वीडियो को देख लेंगे, जहाँ पे नहीं समझ में आया तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मैंने बेटा बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि प्रोबेबिलिटी में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये चीज़ याद रखने वाली कि प्रोबेबिलिटी का आंसर आपका जब 1 से ज़्यादा अगर आ रहा हो तो समझ जाना कि आंसर आपका गलत आ रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की 0 और 1 इन्हीं के बीच में वैरी करेगी, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये हमारा हाई स्कूल का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट चैप्टर था।
तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, ठीक है।